खबर शामिल करते हैं मेहड़ से। उमर रुबाब चांडियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जागीरदारी निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। 4 साल कबल PPMPAs को कत्ल किया गया, इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ हमारा हक है। 4 सालों से जिद्दोजहद में हूँ। उम्मीद है सरदारी निजाम खत्म होगा। सरदारी निजाम के खिलाफ आज से दिन मनाने का ऐलान कर रही हूँ। ये दिन पूरे सिंध मुल्क और दुनिया में मनाया जाएगा। सरदारी निजाम सिंध में हावी है। आज से मैं एक अहद और अजम कर रही हूँ कि सरदारों और जागीरदारों के जुल्म से एक किताब लिखूंगी। इस किताब को हम यूनाइटेड नेशन के इदारे समेत हर जगह तकसीम करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकार वांगर भी है। मैं मुल्क में इंसाफ वठण मतलब इलाही मुश्किल है, तमाम मुश्किल है। पर असा पाकिस्तान जो फ्यूचर है। मां जकरे दिलीप सगा पी विकाम भी सगा पी मुखे इलाही सारी ऑफर्स आयो सबन का का लिखल गाल ना है। इकडी गवर्नमेंट के खिलाफ मान है पर गवर्नमेंट मुझे खिलाफ जरूर है। छो तो हनन जा सिटिंग एमपी जन हनन जा पंजा मफाद है। हाने कोर्ट्स में जको के सले तो असा पुरमीद आयो अदलिया मां ए इहो आते ही सवाल जरूर पैदा थे तो सवाल कंदासी। मुझे घर में नंढड़ा नंढड़ा बार हैं, 3 सालन की नंढड़ी आ, 4 सालन जो नंढो आ, चाचू जहाँ यतीम बार हैं। ता उन्हें के किए यकीन दियारींदव ता असान मुल्क में इंसाफ आए? ता उन्हें के किए यकीन दियारींदव ता असान पुर अमन कौम आ? ता किए यकीन दियारींदव ता असान इते इंसाफ जो सस्तो आ मजलूम?